सुप्रभात बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठमाला पुस्तक का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है धरती का स्वर्ग कश्मीर, यानी कि हम इस पाठ में कश्मीर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो कश्मीर हमारे भारत का एक बहुत ही सुंदर राज्य है। यह भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के बिल्कुल ऊपरी भाग पर कश्मीर राज्य स्थित है। तो वहाँ इस पाठ में हम वहाँ की सुंदरता के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर जो देखने योग्य स्थान है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कश्मीर जो है वो कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप का एक सुंदर हिस्सा है। सारे संसार के लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। तो जो कश्मीर है वो भारत उपमहाद्वीप का एक बहुत ही सुंदर भाग है कि इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। क्या ऐसा माना जाता है कि जो स्वर्ग है वो बहुत ही सुंदर है। तो कश्मीर की तुलना स्वर्ग से की जाती है कि कश्मीर भी स्वर्ग के समान सुंदर है। तो यदि धरती पर कहीं स्वर्ग जैसी सुंदरता है तो वो कश्मीर राज्य में है। यह एक पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय अर्थात पहाड़ी प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर गर्मी में भी मौसम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुहावना, यानी कि बहुत ही आनंद देने वाला होता है। यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती। यहाँ देश विदेशों से बहुत से पर्यटक घूमने वाले यात्री आते हैं। वो यहाँ पर यहाँ जो प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति की शोभा है, उसका आनंद लेते हैं। यह बहुत ही सुंदर जगह है, इसलिए यहाँ पर देश विदेशों से बहुत से लोग घूमने आते हैं। जो कश्मीर राज्य है उसकी राजधानी श्रीनगर है। तो यह श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है और हिमालय की घाटी में बसा हुआ है। यह हिमालय की घाटी में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर शहर है। कौन सा? श्रीनगर। और श्रीनगर है कश्मीर राज्य की राजधानी। तो श्रीनगर में जो सबसे सुंदर देखने योग्य स्थान है वो है डल झील। जो प्रसिद्ध डल झील है वो कहाँ पर है? श्रीनगर में। तो इस डल झील में सुंदरता कौन बढ़ाता है? इसके खिले हुए कमल के जो फूल हैं वो इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। इस डल झील के किनारे पर ही सुंदर निशात बाग है और एक दूसरी तरफ एक शालीमार बाग है। तो ये दोनों बाग भी इस डल झील की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। तो ये निशात बाग और जो शालीमार बाग है, इनका निर्माण जो मुग़ल बादशाह जहांगीर थे उन्होंने करवाया था। तो इन उद्यानों में, उद्यान अर्थात बाग, इन बागों में झरने बहते हैं, फव्वारे लगे हुए हैं। तो यहाँ जो इन बागों का जो दृश्य है, जो नज़ारा है, वो बहुत ही सुंदर है। जो भी यहाँ इन्हें देखने आता है वो इसकी सुंदरता में खो जाता है। इस उद्यानों में बहुत ही सुंदर सुंदर घास है, मखमली घास है, रंग बिरंगे फूल है, जो इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, चार चांद लगा देते हैं, अर्थात इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो जो कश्मीर राज्य है वो झीलों का और बागों का प्रदेश कहा जाता है कि कश्मीर राज्य पहाड़ी प्रदेश है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा झीलें हैं, पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बाग हैं, हरियाली है। यहाँ पर केसर की खेती की जाती है, इसीलिए जो कश्मीर राज्य है उसको एक दूसरा नाम दिया गया है, केसर की क्यारी, यानी कि यहाँ पर जो है केसर बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है, इसलिए इसे केसर की क्यारी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कश्मीर का एक नाम क्या हुआ? केसर की क्यारी। तो यहाँ पर यह जो पहाड़ी प्रदेश है और यह भारत के बिल्कुल उत्तर में सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ गिरती है। तो जब यहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इस सर्दी से बचाने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो एक विशेष प्रकार की अंगीठी जलाते हैं। अंगीठी, उसमें वो आग जलाकर रखते हैं और उससे अपने आप को गर्म रखते हैं।
तो इस अंगीठी को क्या कहते हैं, इसको कांगड़ी कहते हैं। यह कांगड़ी जो है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। वो इसे आग तापते हैं, अपने शरीर को गर्म रखते हैं, अपने घर को गर्म रखते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इसमें आग जला करके वो इसे अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो यह कांगड़ी जो है उन्हें सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड से बचाती है। तो कश्मीर में जो यात्री आते हैं घूमने के लिए, उनको लुभाने का एक सबसे बड़ा, जो सबसे अच्छी प्रसिद्ध चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, वो एक है हाउस बोट। हाउस बोट अर्थात नाव का घर। तो ये जो घर हैं ये नाव पर बने होते हैं। तो ये जो कश्मीर राज्य है वो झीलों का प्रदेश तो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी झीलें हैं पानी की। तो इन झीलों में नाव के घर रहते हैं, नाव के घर बनाए गए हैं। वो नाव पर बिल्कुल जैसे घर होते हैं उन्हीं की तरह उनमें रहने के, सोने के, खाने के सभी अलग अलग तरह के कमरे बने होते हैं। तो जब भी यहाँ पर कोई सैलानी लोग, सैलानी घूमने आने वाले यात्री, जब वो यहाँ पर घूमने आते हैं तो वो इन्हीं में रहना पसंद करते हैं। इनमें बैठकर वो झीलों में तैरते हैं, पानी में यात्रा करते हैं और इन्हीं में रहते हैं, खाते हैं। उनको ये सबसे अधिक हाउस बोट पसंद है। तो जब रात होती है और इन हाउस बोट में लाइटें जलती हैं और जब ये पानी में तैरते हैं तो ये ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी ने दियों की पंक्तियां बना रखी हो, कि जैसे हम दियों को एक पंक्ति में, एक कतार में रखते हैं। तो ये जो हाउस बोट है, नाव के घर है, ये भी झील में ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो रात के समय वहाँ का जो दृश्य है वो और भी अत्यधिक सुंदर हो जाता है। तो कश्मीर में गुलमर्ग नामक एक दर्शनीय स्थान है, दर्शनीय देखने योग्य है कि गुलमर्ग एक स्थान है जहाँ पर पर्यटक यात्री घूमने आते हैं। तो ये जो अमरनाथ गुफा है वो भी वहीं पर स्थित है, कि जो हिंदुओं का प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा है जहाँ पर ये माना जाता है कि शिवजी भगवान के दर्शन करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो वो कहाँ पर है, वो गुलमर्ग में ही है। तो लोग श्रीनगर से पहलगाम होते हुए अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो देश के विभिन्न लोगों से लोग यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा करने आते हैं। तो ये जो रास्ता है वो पहाड़ों में है और बहुत ही कठिन रास्ता है। इसके रास्तों में बहुत ही ऊँचाई पर है और बर्फ़ से ढका होता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं अमरनाथ की यात्रा के लिए, वो यहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्तों से, बर्फीले रास्तों से अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्योंकि लोगों का यह विश्वास है कि इन दुर्गम रास्तों को पार करके, इन कठिन रास्तों को पार करके जो अमरनाथ भगवान के दर्शन कर लेता है उसके जीवन की सभी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। कश्मीर की सुषमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए, सुषमा अर्थात सुंदरता, कि जो कश्मीर है वो इतनी सुंदर जगह है कि उसकी सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ की कुमकुम की क्यारियाँ किसके मन को मंत्रमुग्ध नहीं करती, कि जो कुमकुम अर्थात केसर की, यहाँ की जो केसर की क्यारियाँ हैं उनकी जो सुगंध है वो सभी के मन को मोह लेती है, सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, फल फूल के बाग हैं, यहाँ पर पेड़ों पर फल ही फल दिखाई देते हैं। तो जो केसर की क्यारियाँ हैं उनकी जो महक है वो घाटियों में महकती रहती है और यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं। तो जो कश्मीर की ये जो सुंदरता है, इसी के आधार पर किसी ने सही कहा है कि यदि पृथ्वी पर कोई दूसरा स्वर्ग है, पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर राज्य है, क्योंकि कश्मीर के समान पृथ्वी पर कोई भी सुंदर जगह नहीं है। स्वर्ग जो है वो सबसे सुंदर माना गया है और यदि उसके बराबर कोई सुंदर जगह है तो वो है कश्मीर राज्य। इसीलिए कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है और यह हमारे भारत देश का राज्य है। इसीलिए इस पर हमें बहुत ही गर्व है कि यह
जो हमारा कश्मीर राज्य हमारे देश का जो भाग है वो स्वर्ग के समान माना जाता है। तो इसी पाठ में इसके साथ हमारा यहीं पर ये पाठ ख़त्म होता है। आज हमने इसमें कश्मीर राज्य की सुंदरता के बारे में पढ़ा।